इंडिया पीस सेंटर और नागपुर बुक क्लब ने संत कबीरदास की जयंती की पूर्व संध्या पर नागपुर के लिए एक बड़े आयोजन की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 11 जून 2022 को इंडिया पीस सेंटर भारतीय स्टेट बैंक के बगल में स्थित सिविल लाइंस में आयोजित किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान आयोजकों द्वारा दी गई है। प्रख्यात लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल डॉक्टर तेजिंदर सिंह रावल के साथ बातचीत करेंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल कबीर पर हिंदी में अखद कहानी कबीर की, कबीर कबीर हिंदी और अंग्रेजी में, और कबीर साखी और सबद हिंदी में बेस्ट सेलिंग पुस्तकों के लेखक हैं। अग्रवाल को पाठ केंद्रित आलोचना और मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास लेखन से संबंधित उनके अकादमिक कार्यों के लिए प्रशंसित किया जाता है। कबीर और अन्य निर्गुण भक्तों के अनुपापियों के साथ वर्षों की चर्चा कर वे देशज आधुनिकता की अवधारणा को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। अवधि ब्रज राजस्थानी और संस्कृत में प्राथमिक स्रोतों के आधार पर वे दक्षिण एशिया में आधुनिकता के आगमन के बारे में स्वीकृत ज्ञान पर बहुत सवाल उठाते हैं। हम इंडिया पीस सेंटर और नागपुर बुक क्लब के माध्यम से संत कबीर के ऊपर में एक वार्तालाप का सेशन कर रहे हैं, जिस सेशन में जाने माने लेखक और साहित्यकार श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी दिल्ली से यहाँ पधार रहे हैं, और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने कबीर के ऊपर में बहुत रिसर्च किया हुआ है, तो उन्हें हमने आमंत्रित किया है। तो वो आएंगे और उनके साथ मैं उन्हें इंटरव्यू करूँगा। ये कार्यक्रम हमने निःशुल्क रखा है। हम चाहेंगे कि सब लोग इससे जुड़ें और इस कार्यक्रम में आएँ। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए www.nagpurbookclub.com पर आकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर कर लीजिए और इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। कबीरदास के ऊपर इतना बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम नागपुर में आज तक नहीं हुआ है। कबीर भारत के आधुनिक संतों में सबसे प्रसिद्ध हैं और उनकी कविता सीधी और सरल है। कबीर के काव्य व्यक्तित्व को धार्मिक परंपराओं द्वारा विभिन्न रूप से परिभाषित किया गया है और उनकी जीवनी के लिए भी यही कहा जा सकता है। सिखों के लिए कबीर एक प्रमुख संत है जिनकी कविता गुरु ग्रंथ साहिब में समाविष्ट है। मुसलमान उन्हें सूफी वंश में रखते हैं और हिंदुओं के लिए वह सार्वभौमिक झुकाव वाले वैष्णव बन जाते हैं। यह आयोजन पुस्तक पाठकों, विद्वानों, छात्रों और काव्य प्रेमियों के लिए और सामान्य तौर पर सभी के लिए बहुत रोचक है। कैमरा पर्सन सुभाष बूटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।